डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। आमिर खान से पहले किन एक्टर्स के साथ बनने वाली थी फॉरेस्ट गम? कौन से इंडस्ट्री के तीन बड़े एक्टर्स नजर आएंगे फॉरेस्ट गम के हिंदी रीमेक में? लाल सिंह चड्ढा से कम मचाएंगे आमिर धमाल? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर आमिर खान लंबे टाइम बाद अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ तैयार है। आमिर के फैंस उन्हें दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार के बाद मिस कर रहे हैं। आमिर खान एक साल में केवल एक ही फिल्म रिलीज करते हैं, जिस वजह से उनके फैंस को उनकी फिल्मों का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लाल सिंह चड्ढा को वो लगातार 2 सालों से बना रहे हैं, कोविड के चलते ये पोस्टपोन हो चुकी थी और अब फाइनली इस ये रिलीज होने को तैयार है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है, जिसमें कि एक्टर टॉम हैंक्स नजर आए थे। टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम ने रिलीज होते ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था, जिस वजह से हर कोई आमिर के लाल सिंह चड्ढा का इंतजार कर रहा है। ऑडियंस को उम्मीद है कि फॉरेस्ट गम जिस तरह से बनी थी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे पर, वैसे ही कुछ बात करती हुई नजर आएगी आमिर की लाल सिंह चड्ढा। वहीं दोस्तों, आमिर से पहले फॉरेस्ट गम के हिंदी रीमेक में 2 एक्टर्स को अप्रोच किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर कुंदन शाह 90s के दशक में फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके लिए पहली चॉइस थे अनिल कपूर। अनिल कपूर डेट्स की वजह से इसे शुरू नहीं कर पाए, जिसके बाद कुंदन ने शाहरुख को अप्रोच किया। शाहरुख खान इस फिल्म को करना तो चाहते थे, लेकिन कुछ वजह से वो भी इस फिल्म में नहीं आए। हमेशा के लिए ये फिल्म उस वक्त बंद हो गई। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी ली आमिर खान ने। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है लाल सिंह चड्ढा का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।